बेस्ट लाइव कलेक्शंस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस नोटिफिकेशन के जरिए उन स्कूलों को दूसरे स्कूल में जम कर दिया जाएगा जिनमें जिनके वसायल नहीं है, जिनके पास इमारत नहीं है या दूसरे वसायल नहीं है। उर्दू राबता कमेटी इसका पुरजोर एहतजाज करती है। हर एक कोई भी जो उर्दू स्कूल है वो जम नहीं हो, चाहे किसी भी जगह पर। बहुत सारी जो अकलियती की आबादी है, अपनी तरफ उर्दू आबादी की तादी, वहाँ के बच्चे उर्दू में तालीम हासिल कर रहे हैं और इमारत के नाम पर अगर उसको किसी स्कूल से जम किया जाता है, चाहे हिंदी के साथ या उर्दू के साथ, ये गलत है। वो यूनिट रहना चाहिए, सरकार के बहुत बहुत संसाधन है। मोहतरम दोस्तों, आदाब। आज मैं आपसे उर्दू के सिलसिले में मुखातब हूँ। उर्दू ज़बान एक तरफ फिल्मों के ज़रिए, रेख्ता के ज़रिए और अपनी बे इंतहा मकबूल गज़लों के ज़रिए जहाँ अपनी जादू बिखेर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सतह पर या ब्यूरोक्रेसी सतह पर बदहाली का शिकार है। उर्दू भारत में कानूनी तौर पर दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन अमली तौर पर उर्दू को उसका हक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नहीं मिला, बल्कि दिन ब दिन उर्दू को ख़त्म करने के लिए सियासी सतह से लेकर ब्यूरोक्रेसी लेवल तक सब के सब उर्दू के सिलसिले में अपना दावपेच आज़मा रहे हैं। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ महकमों में उर्दू ज़बान के उहदों की बहाली का मामला हो या सरकारी इमारात और अवामी मकामात पर उर्दू लिखने का मामला हो, हर सतह पर उर्दू के साथ सौतेला सलूक होता रहा है। अभी ताज़ा तरीन मामला बिहार में उर्दू के साथ पेश आया है। यहाँ चंद महीना पहले स्कूलों में असातज़ा की बहाली के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उर्दू का कालम ही गायब कर दिया गया। उस पर जब मुहिब्बीन उर्दू में बेचैनी पैदा हुई तो इसके जवाब में एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिससे उर्दू के हवाले से मज़ीद बेचैनी पैदा हो गई। अभी ये बेचैनी चल ही रही थी कि एक और नया फरमान जारी कर दिया गया जो स्कूल बे इमारत है उसको करीब के स्कूलों में मिला दिया जाए और इस तरह बे इमारत उर्दू स्कूल ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत के इस अमल से उर्दू स्कूलों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे उर्दू स्कूलों के वजूद को ही ख़तरा लाहिक हो गया है। इससे इस बात का खदशा बढ़ गया है कि जिन उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूलों में ज़म किया जाएगा उन स्कूलों में उर्दू यूनिट ही ख़त्म हो जाएगी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा अपनी मादरी ज़बान उर्दू में तालीम हासिल करने से महरूम रह जाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने 17 अगस्त 2017 को लेटर नंबर 6430 के ज़रिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए रियासत के तमाम उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूलों में ज़म करने का फरमान जारी किया था। उर्दू दां लोगों के एहतजाज और प्रोटेस्ट और बेचैनी की वजह से ये मामला 3 साल तक रुका रहा। मौजूदा हुकूमत के दौरे इक्तदार में महकमे तालीम ने मजकूरा लेटर का हवाला देते हुए तमाम स्कूलों को 26 दिसंबर 2020 को लेटर नंबर 3447 के ज़रिए पटना में वाक़ गुलजार बाग, माल सलामी, गर्दनी बाग, महेंद्रू चौक, दानापुर और बाढ़ के कई स्कूलों को हिदायत दी है। इसके ज़रिए उन तमाम उर्दू स्कूलों को जिनके पास अपनी इमारत नहीं है उनको हिंदी स्कूलों में ज़म करने का फरमान जारी किया है। उसके ज़रिए पटना ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के कई स्कूल हिंदी स्कूलों में ज़म हो जाएंगे, जिससे उर्दू यूनिट ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा पूरे बिहार में उनकी तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। इन स्कूलों को हिंदी स्कूलों में ज़म कर दिए जाने की वजह से यहाँ उर्दू यूनिट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा खसारा होगा। इस सिलसिले में मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पटना के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर अबुल कलाम कासमी कहते हैं कि उर्दू बिहार की एक बड़ी आबादी की मादरी ज़बान है।
और ये बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान भी है। हुकूमत बिहार उर्दू की तरवीज व इशात के लिए फ़ंड देती है और कई तरह के ऐलानात भी करती है। हमें हुकूमत की मंशा पर कोई शक व शुबा नहीं है, मगर हुकूमत के इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू आबादी और उर्दू ज़बान का ही होगा। उनका कहना है कि जिन स्कूलों में उर्दू यूनिट मौजूद है वहाँ उर्दू असातिज़ा का ओहदा पहले ही खाली है। हुकूमत के ऐलानात के बावजूद उर्दू के इस यूनिट पर उर्दू असातिज़ा की तकर्री नहीं हो पा रही है। ऐसे हालात में उर्दू स्कूलों के हिंदी स्कूलों में जम करने से उर्दू यूनिट का खात्मा बिल्कुल यकीनी है। इससे उर्दू यूनिट वाले उस स्कूलों को दी जाने वाली सरकारी मराहत और रियायत भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। वो कहते हैं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों के जम करने से पहले उर्दू स्कूल के वजूद को यकीनी बनाए और उसका कोई ऑप्शन तलाश करें। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी भी है वो किसी की भी ज़बान और सकाफत की पासदारी करे और ये फ़ैसला फौरी तौर पर वापस ले। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत बिहार चैप्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर अनवारुल हुदा कहते हैं कि इस फैसले से उर्दू ज़बान मर जाएगी। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो उर्दू स्कूलों को ज़म करने से पहले इस फैसले को वापस ले और बे इमारत वाले स्कूल को ज़मीन फराहम कराकर स्कूल की तामीर कराए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और इससे ज़बान और सकाफत का तहफ़ुज़ भी हो पाएगा। इस सिलसिले में हमने उर्दू राजभाषा से रिटायर्ड और उर्दू राबता कमेटी के सेक्रेटरी जनाब हबीब मुर्शिद खान साहब और तारापुर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रज़ा जमाल साहब से भी गुफ्तगू की। उन्होंने हुकूमत के इस अमल को उर्दू के तहत बदनीयती बताते हुए ऐसे फरमान को जल्द वापस लेने की अपील की। आइए सुनते हैं जनाब हबीब मुर्शिद खान साहब और डॉक्टर शाहिद रज़ा जमाल साहब को कि उन्होंने उर्दू के हवाले से किस तरह अपने जज्बात का इजहार किया। स्कूलों के इंजमाम से मतलब जो अभी सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसकी इतला हमें मुख्तलिफ मीडिया और ज़राए से मालूम हो रही हैं और जिसकी जानकारी हम तक पहुंच रही है, बहुत अफसोसनाक है और बहुत तशवीशनाक भी है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इस नोटिफिकेशन के ज़रिए उन स्कूलों को दूसरे स्कूल में जम कर दिया जाएगा जिनमें जिनके वसायल नहीं है, जिनके पास इमारत नहीं है या दूसरे वसायल नहीं है। तो खशा ये है और अंदेशा ये है कि अगर ऐसा होता है तो इसका बराह रास्त या बिलवास्ता असर उर्दू स्कूलों पे भी पड़ेगा और जाहिर है कि जहां बच्चे कम होंगे इमारत तो ना के बराबर है बहुत से स्कूलों में, और जहां इमारत है भी तो वहाँ साजा की कमी है, उन स्कूलों को वहाँ जम कर देने का अंदेशा है। और ये इसमें क्या होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हजम कर जाएगी, और इसी अंदेशे के तहत मीडिया में लगातार और मुसलसल ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग इजहार तशवीश कर रहे हैं कि ये गैर मुनासिब अकदाम है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, इसका रुतबा दूसरी जबानों से मुख्तलिफ है, लिहाजा उर्दू के मुख्तलिफ ये सोचना हम लोगों का फरीजा है कि इस पर गौर करें और इस पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उर्दू के वजूद का ख़तरा लाहक हो जाएगा, उर्दू के खात्मे का ऐलान किया जा सकता है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि उस पर गौर करें कि हमेशा ये नहीं होता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मामला यहाँ हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को हजम कर जाती है, निगल जाती है, और यही मामला यहाँ होगा। इंतखाब के कबल आपने देखा होगा कि एक बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने ये बात मंजराम पर लाई थी अखबार उर्दू अखबारों में भी कि स्कूलों में हर स्कूल में जब एक उर्दू उस्ताद की लाजमियत थी जो पहले, जिसके लिए हमारे वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार जी ने जश्न उर्दू में भी कलीम आजिज साहब के का जो जश्न मनाया गया था उस मौके पर उन्होंने ऐलान किया था कि हर स्कूल में पहले उर्दू का एक टीचर होगा, तभी उसके बाद उर्दू के बच्चों की बात होगी, अगर टीचर नहीं होगा तो बच्चे कैसे होंगे, इस
और इस मामले को बिहार सरकार की वजारत तालीम ने उस टीचर की लाजमियत को ख़त्म कर दिया और कुछ शर्त लगा दी। ये काफ़ी बातें हुई थी, एहतजाज हुआ था, इलेक्शन का वक्त आ गया, इलेक्शन ख़त्म हुआ। और अब इलेक्शन के बाद एक दूसरी बात आ गई है, पटना से ये खबर आई है कि बहुत सारे उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूलों में ज़म किया जा रहा है। बात यह है उर्दू और हिंदी की नहीं, अभी डिपार्टमेंट से बात आई है कि जहाँ जिस स्कूल की इमारत नहीं है हिंदी या उर्दू, उसको नज़दीक के किसी स्कूल में ज़म करने की बात है। उर्दू राबता कमेटी इसका पुरजोर एहतजाज करती है, हर एक कोई भी जो उर्दू स्कूल है वो ज़म नहीं हो, चाहे किसी भी जगह पर। बहुत सारी जो अकलियती की आबादी है, अपनी तरफ उर्दू आबादी की तादी, वहाँ के बच्चे उर्दू में तालीम हासिल कर रहे हैं, और इमारत के नाम पर अगर उसको किसी स्कूल से ज़म किया जाता है, चाहे हिंदी के साथ या उर्दू के साथ, ये गलत है। वो यूनिट रहना चाहिए, सरकार के बहुत बहुत संसाधन है, वो वहाँ पर इमारत बना दे। फिलहाल नहीं, जब तक इमारत बनती है तो किराए पर मकान लिया जाए, कोई भी सूरत निकाली जाए, लेकिन जहाँ पर जो उर्दू यूनिट है वो अपने जगह पर कायम रहे और उसे बंद नहीं किया जाए। और मैं बिहार की पूरी उर्दू आबादी, उनके रहनुमाओं से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो खामोश नहीं बैठें, एक्टिव हों, सरगर्म हों, और उर्दू के लिए खुद भी कुछ करें, और हुकूमत का भी जो फ़र्ज़ है उसकी अदाय के लिए भी हम कोशिश करें। शुक्रिया।